करुणा जिनका सार है, मानवता जिनके जीवन का आधार है, वो कलयुग के श्रवण कुमार हैं, जिन्हें कहते अनिरुद्धाचार्य हैं। गायों को गले लगाने वाले, ठाकुर महाराज की महिमा गाने वाले कौन है अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो देश भर में 1000 से ज्यादा कथा कर चुके हैं। भारत तो संतों और महात्माओं का देश है, एक से बढ़कर एक संत, ज्ञानी और मुनि हुए, गिनती नहीं है। कोई कथा सुनाते हैं, कोई भविष्य बताते हैं और कोई कागज पर तकदीर लिख देते हैं। लेकिन आज बात एक ऐसे संत की, जो मानव धर्म निभाते हुए, रिश्तों का भाव बचाते हुए, लीलाधर कृष्ण की कथा सुनाते हुए एक कथावाचक के रूप में आज मानवता की सेवा कर रहे हैं। आपने त्रेता के श्रवण कुमार के बारे में सुना होगा। श्रवण कुमार कैसे होते हैं, इसका साक्षात दर्शन करना है तो हमारे साथ बने रहिए। माँ आपकी हैं? हाँ जी। तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, आपस में रोज झगड़ा होता है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते ना वृद्धाश्रम, उसकी दिमाग की हालत नहीं अच्छी तो उसको रखते हम वृद्धाश्रम में। अपनी माँ को क्यों लेके आ गए? आई भी हूँ अभी। तो क्या आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम रख के जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? आपके बच्चे क्या सीखेंगे? कहानी उस अभागे पुत्र की, जो खुद के सक्षम रहते हुए अपनी माँ का त्याग करने चला था। तीन भाइयों में से कोई भी इस माँ का बुढ़ापे में बोझ उठाने को तैयार नहीं था। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माँ ने जन्म दिया, उसी माँ को बेगाने कर दिए उनके अपने बच्चों ने। आपके और दो भाई हैं, तो क्या उन भाइयों के पास एक माँ को खिलाने को रोटी नहीं है? उन भाइयों ने मना कर दिया। मना कर दिया उन्होंने मना कर दिया। आपके भाई ने मना कर दिया कि माँ को घर लाने की जरूरत नहीं है? नहीं, वो अलग रहते हैं। नहीं, अलग रहते हैं तो माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना, वो भाई दो लोग मिलके नहीं कर सकते एक माँ की सेवा? नहीं, वो मना कर दिया उन्होंने। देखो जरा, एक माँ ने तीन बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। किसी ने सलाह दी, माँ को मथुरा छोड़ाओ। इस अभागे पुत्र ने अपनी माँ को लिया और वृंदावन के उस आश्रम पहुंच गया जिसे अनिरुद्धाचार्य चलाते हैं। जैसे ही उन्हें खबर हुई, उन्होंने बुलाया और फिर ऐसी क्लास लगाई कि शर्म से पानी पानी हो गया। अच्छा, ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ आपकी सेवा करती थी, नहलाना धुलाना, तेल माले सब किया? फिर अब माँ बूढ़ी हो गई तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? हम इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? जब हम बिना लगे कुछ, बिना खून का रिश्ता कि हम सेवा कर रहे हैं, तो आप तो खुद की सगी औलाद हो, आपको तो सेवा करना चाहिए। कल आपका बेटा आपको बाहर निकाले, फिर वचन भी दिया कि तीनों पुत्रों के होते हुए भी अगर बुढ़ापे में माँ को बेसहारा छोड़ जाते हो तो जाओ, उनका पुत्र अनिरुद्धाचार्य अभी जिंदा है। और आप अपनी माँ को लेके आ गए वृद्धाश्रम, कभी सोचा भी नहीं कि आप ये सही करने जा रहे हैं या गलत करें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दास अनिरुद्ध तो माँ की सेवा, तीन बेटे आप हैं, चौथा बेटा ये दास बन के सेवा करेगा, हम तो करेंगे, हमें आपत्ति नहीं है। पर आप अपने हृदय से पूछिए कि आप ये सही कर रहे हैं, अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहे हैं, सही है? पढ़े लिखे तो होंगे आप, क्या ये शोभनीय है? भैया आपसे सवाल है, क्या आप अपनी माँ के साथ अन्याय कर रहे हैं? अरे, जिस माँ ने आपको अपनी गोद में लिटा करके अपना आंचल का दूध पिलाया है, जिसने आपकी तेल मालिश की है, उंगली पकड़कर आप सबसे पहले अपनी माँ की ही चले होंगे, और आज आप इतने भी कमजोर नहीं है कि आप अपनी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल ना रख पाए? जब हम कमा के 250 माताओं की सेवा कर सकते हैं, तो आप अपनी एक माँ की तो सेवा कर सकते हैं, इतना हाथ पांव चल रहे हैं आपके, आप अपाहिज नहीं है क्या? माँ के लिए दो रोटी इस उम्र में नहीं खिला सकते आप? क्या मजबूरी है आप बताइए, आपकी क्या मजबूरी है ऐसी कि आप माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं? आप माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखे थे, याद नहीं आते आपको वो दिन? आप अपनी माँ के बिना, जब आप छोटे थे तो आपकी माँ आपके बिना एक घंटा नहीं रह पाती थी, आप कैसे रह लेंगे अपनी माँ के बिना? कैसे रहेंगे अपनी माँ के बिना?
इस उम्र में जब माँ बिल्कुल अंतिम पड़ाव में चल रही हैं, कितनी जिंदगी बची इनकी बताओ, अभी क्या ये 100 साल जिएंगी? इस उम्र में बेटा बहू का प्यार चाहिए होता है, नाती पोतों का प्यार चाहिए होता है, सम्मान की दो रोटी देते जाते तो वहीं से कथा सुन के अपना मैया हम तो रखेंगे, हमें आपत्ति नहीं है, पर आप अपने हृदय से पूछिए कि कल यही घटना आपके साथ होगी तब आप क्या करेंगे? कल आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम भेजेगा फिर आप क्या करेंगे? और ये होगा क्योंकि ईश्वर के घर देर है, जैसा करते हैं वैसा भोगना पड़ता है। अनिरुद्धाचार्य न जाने ऐसी कितनी माओ और पिता के बुढ़ापे का सहारा बन चुके हैं। स्वभाव से निर्मल, मन से कोमल, शरीर से सुंदर, आचार्य जैसे बाहर से दिखते हैं वैसा ही उनका अंदर का भी स्वभाव है। कहते हैं उनके कंठ पर साक्षात सरस्वती विराजती हैं। एक बार मुंह से निकले शब्द खाली नहीं जाते, इसलिए बहुत तोल मोल कर बोलते हैं। जब गोपियों के करुण भाव को गाते हैं तो सुनने वाले भाव विभोर हो जाते हैं। जब कृष्ण की कहानियां सुनाते हैं तो सुनने वालों का रोम रोम परमात्मा में रम जाता है। जो भागवत भगवान के सुनाते हैं आरती, वही आरती जो पापियों को हर पाप से है तारती। सही राह दिखाने वाले जो डंके की चोट पर कहते हैं अगर विश्वास करना है तो भगवान पर करो, और अगर अंधविश्वास करना है तो भी भगवान पर करो। आज हम उन्हीं अनिरुद्धाचार्य की सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक गांव से निकला एक लड़का कैसे लोगों को सद्मार्ग दिखाने वाला संत बन गया। सेवा ही त्याग, सेवा ही धर्म, सेवा ही कर्म, सेवा ही लक्ष्य, सेवा ही सत्कार, सेवा ही जीवन का आधार, माता पिता की सेवा, गौ सेवा, पशु सेवा, क्या फर्क पड़ता है कि किस कोख से जन्म लिया? पर कर्म तो हर माँ के लिए है। क्या फर्क पड़ता है, कोई बेजुबान जानवर बोल नहीं सकता, लेकिन संत की शक्ति का साक्षात दर्शन ही यही है कि वो बेजुबानों की अनकही बात समझ लेते हैं। कोई बछड़ा भूखा है तो उस तक खुद ही खाना पहुंचा देते हैं। कोई माँ समान गाय की एक आहट पहचान कर उसके चरणों की धूली को माथे का तिलक बना लेते हैं। December 27, 1989 का दिन, मां नर्मदा के तट पर बसे भगवान विष्णु के वाराह की नगरी जबलपुर के गांव रिवंझा में एक सामान्य परिवार में बालक का जन्म हुआ। बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा में रुचि रही। बचा हुआ समय गौपालकों के साथ गौ माता की सेवा में बीतने लगा। गौ माता के बछड़ों से महाराज जी का अद्भुत लगाव था। जब महाराज गायों को चराने जाते तो अपने साथ हनुमान चालीसा और गीता लेकर जाते थे और खेतों में नित्य प्रति सस्वर पाठ किया करते थे। फिर दोस्तों को बिठाकर गीता से मिलने वाले संदेशों को समझाते थे। बहुत बचपन में ही अनिरुद्धाचार्य को बहुत सारे शास्त्रों के बारे में ज्ञान हो गया और एक दिन वो घर का मोह छोड़कर वृंदावन आ गए। श्रीधाम वृंदावन में ही रामानुजाचार्य संप्रदाय से आने वाले ठाकुर जी के परम भक्त संत गिरिराज शास्त्री महाराज से दीक्षा हासिल हुई। इसके बाद वो अयोध्या चले गए, जहाँ अंजनी गुफा वाले गुरु जी से श्रीराम कथा का अध्ययन किया। इसके बाद अपनी जन्मभूमि की ओर लौट आए। पहली बार अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अपनी जन्मभूमि पर ही श्री राम और हनुमान की कथा सुनाई और इसके बाद पूरे भारत में कथा सुनाने निकल पड़े। बदले में जो कुछ हासिल हुआ उसे असहाय लोगों और गरीबों की सेवा में लुटाते चले गए। पूरे भारत में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अब तक 1000 से ज्यादा कथा कर चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक छोटा और खुशहाल परिवार भी है। इस परिवार में कुल 6 लोग हैं, जिसमें महाराज जी के 2 बेटे, 1 माँ और पत्नी शामिल हैं। अक्सर अनिरुद्धाचार्य जी की पत्नी भी भागवत कथा और उनकी महिमा गाती नजर आ जाएंगी। उनकी पत्नी की गुरु माँ के नाम से ख्याति है। सिर्फ 32 साल की उम्र में ही महाराज जी ने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े धनाढ्य सेठ भी नहीं कर पाते। वो गौ सेवा में रुचि लेते हैं, वो वृद्धाश्रम चलाते हैं, वो बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं। नर्मदा तट से आया एक लड़का भारत में ज्ञान की अविरल प्रवाह का साधन बना हुआ है। वो लोगों को ना सिर्फ अपनी कथाओं के माध्यम से जगाते हैं, बल्कि हारे हुए लोगों को मोटिवेट करके उन्हें सही रास्ता भी दिखाते हैं, ताकि कोई थक कर रुक न जाए। क्योंकि महाराज जी अक्सर कहते हैं, जिंदगी चलने का नाम है, यहाँ रुकना और हारना मना है। कैसी लगी आपको अनिरुद्धाचार्य की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाइएगा।